तो गाइस मुझे YouTube पर वीडियो बनाते हुए 3 साल का समय हो चुका है और मैं अभी तक YouTube पर सक्सेस नहीं हो पाया। ना ही मेरी YouTube से ज़्यादा अर्निंग हो रही है और ना ही लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। आप मेरे चैनल में जाके देखोगे तो लगभग 20 से 25 लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और अर्निंग की बात करें तो 1 महीने में लगभग 10 या 12 डॉलर ही बन रहा है। तो गाइस इतना मेहनत मैं करता हूँ, वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, शूट करता हूँ, काफ़ी मेहनत लगती है, आप तो जानते हो और समझते हो। लेकिन गाइस मैंने अपने चैनल में कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसके वजह से मैं अभी तक यूट्यूब पर सक्सेस नहीं हो पाया। वो गलतियां आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो यार प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप ये गलतियां करने से बच जाओ। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि ये आपके भाई का चैनल है यार। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दो क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि आपके सब्सक्राइबर से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो गाइस सबसे पहली गलती जो मैंने की थी वो ये है कि जब मैंने अपना चैनल को स्टार्ट किया था तो स्टार्ट में मैं मैजिक ट्रिक की वीडियो अपलोड करता था, जो बच्चे देखते हैं ना वो जादू वादू करते हैं उसकी वीडियो मैं अपलोड करता था। तो मैंने वो वीडियो अपलोड किया, लगभग मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे 1.5 साल में। उसके बाद मैंने क्या किया कि जितने भी पुराने वीडियोस थे जिसमें कम व्यूज़ थे, जैसे कि 50, 100, 80, 90, उन सभी वीडियोज़ को मैंने डिलीट कर दी। ये मेरी सबसे पहली गलती थी। हो सकता था कि अगर मैं उनको डिलीट नहीं करता तो आज के समय में वो वायरल हो जाते या फिर लोग उसको देख लेते, या तो जो जादू मैंने अपने वीडियो में सिखाया था उसकी डिमांड बढ़ जाती, तो कुछ भी हो सकता था। तो सबसे पहली बात ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करना। अगर आपने एक वीडियो को अपलोड कर दिया ना तो आप भूल जाओ कि आपने किसी वीडियो को यूट्यूब में अपलोड किया था। तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो वीडियो का समय आता है ना तो वो वायरल हो जाती है या फिर लोगों के यूज़। और कई सेकंड गलती मैंने आज से लगभग 2 साल पहले किया था, जिसे सोचने के बाद भी मुझे आज भी दुख होता है। वो गलती क्या थी आप सुनिए, वो गलती आप मत करना बिल्कुल भी। गाइस आज से लगभग 1.5 साल पहले मेरी वीडियो 100 में से लगभग 20% लोग जानते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 25% लोग जानते थे। बट मैंने 1.5 साल पहले अपने चैनल का नाम चेंज कर लिया। उसके बाद क्या हुआ गाइस, कई लोगों के पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन गई तो उन लोगों ने ये सोचा कि यार ये किसकी वीडियो है, इसको तो मैं जानते ही नहीं हूँ, ये चैनल का नाम क्या है। तो वो भाई क्या करते थे कि वीडियो को नोटिफिकेशन हटा देते थे और मेरी वीडियो को देखते नहीं थे, क्योंकि गाइस मैंने अपने चैनल का नाम बदल लिया था। तो गाइस वो गलती मैंने सबसे बड़ी गलती की है जो कि आज के समय में मैं पछता हूँ। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आप एक बार में परफेक्ट नाम सोचो, आप उसी नाम से चैनल बनाओ, ठीक है, इससे आपको फायदा रहेगा। तो बस ये 2 गलती आपको नहीं करना है। इन 2 गलती से अगर आप बच गए ना तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अब गाइस मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दूसरा चैनल क्रिएट करूँ और उनमें ये गलती ना करूँ, और देखते हैं कि वो चैनल जल्दी ग्रो हो जाए। और गाइस सेकंड चैनल मैं बनाऊँगा तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और सभी जगह फैला दूँगा ताकि आप उस चैनल को ज्वाइन कर पाओ। और गाइस उस वीडियो में मैं हर रोज़ आपके लिए यूट्यूब से जुड़ी टिप्स एंड ट्रिक लाता रहूँगा, क्योंकि गाइस मैंने 3 साल से यूट्यूब पर मेहनत किया है तो मुझे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो गया है, और वो सभी एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में आप अपने चैनल का नाम या चैनल का लिंक डाल देना तो हो सकता है कि मैं भी आपको सपोर्ट कर दूँ। तो गाइस बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।